खबर रिवर्स है, जहां जिले भर में आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम SF मैदान रीवा में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई है। बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि जिले भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाएगा। शासन के निर्देशों के अनुसार जिला विकासखंड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर समारोह आयोजित किए जाएंगे। समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। समारोह में सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का गायन होगा। वहीं समारोह में आकर्षक परेड तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव तथा हर घर तिरंगा अभियान संबंधी प्रस्तुतियां समारोह में शामिल होंगी। कलेक्टर ने कहा कि जिला स्तरीय समारोह SF मैदान में प्रातः 9 बजे मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण से आरंभ होगा। समारोह में जिला पुलिस बल SAF, नगर सैनिक, औद्योगिक सुरक्षा बल, स्काउट गाइड्स तथा NCC कैडेट द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जाएगी। समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री जी के स्वतंत्रता दिवस संदेश का वाचन करेंगे। इसी तरह नगरीय निकायों, जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों में ध्वजारोहण किया जाएगा। सभी शासकीय तथा अशासकीय कार्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में भी प्रातः 8 बजे तक ध्वजारोहण किया जाएगा। शासन के निर्देशों के अनुसार ध्वजारोहण तथा शाम में ध्वज को सम्मान पूर्वक अवरोहित कर सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें। सभी शासकीय भवनों में 14 एवं 15 अगस्त की रात में रोशनी की व्यवस्था करें। कलेक्टर ने कहा कि जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए नगर निगम SAF मैदान में साफ सफाई तथा पानी की व्यवस्था कराएगा। कार्यपालन यंत्री PWD मैदान के समतलीकरण, बैरिकेटिंग एवं बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अधीक्षक यंत्री विद्युत मंडल बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए जनरेटर की व्यवस्था करेंगे। अन्य अधिकारियों को भी स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उसके अनुरूप समस्त कार्यवाहियां सुनिश्चित करें। समारोह में शामिल दलों का परेड अभ्यास तत्काल शुरू करा दें। रक्षित निरीक्षक इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करें। जिला शिक्षा अधिकारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां करें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हर घर तिरंगा अभियान तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण के संदेश शामिल करें। समारोह का अंतिम रूप से रिहर्सल 13 अगस्त को प्रातः 9 बजे SAF मैदान में होगा। बैठक में कलेक्टर ने माइक एवं साउंड व्यवस्था, मैदान की साज सज्जा तथा बैठक व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि निर्देशों के अनुसार स्वतंत्रता दिवस समारोह में शहीदों के परिजनों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा लोकतंत्र के प्रमुख को सम्मानित जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी है। बैठक में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित वानखेड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे, गणमान्य नागरिक, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि तथा सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।